नमस्कार दृष्टि जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है तो चलिए कल के अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कल हमने अभ्यास प्रश्न के तौर पर आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को टाइम मैगजीन ने 2020 के सौ सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है शाहबानो दादी बिल्किस कृष्णा सोबती या फिर यमुना देवी इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दादी बिल्किस दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली इंटरनेशनल मैगजीन टाइम ने इस साल दुनिया के सौ प्रभावशाली लोगों की सूची जारी कर दी है दादी के नाम से मशहूर बिल्किस को टाइम मैगजीन ने 2020 के सौ सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह दी है टाइम की इस साल की सौ प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से जगह दी गई है पीएम मोदी के अलावा इस लिस्ट में अभिनेता आयुष्मान खुराना शाहीन बाग आंदोलन से सुर्खियों में आई बिल्किस दादी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई शामिल हैं। बिरासी वर्षीय बिल्किस दादी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग आंदोलन में धरने पर बैठकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दादी बिल्किस हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि चलिए रुख करते हैं आज के पहले सवाल की तरफ पहला सवाल है बड़े पैमाने पर वेलों की मृत्यु की खबर चर्चा में है यह किस देश की घटना है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जर्मनी या फिर भारत इसका उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया हाल ही में मास स्टैंडिंग के चलते बड़े पैमाने पर वेलों की मृत्यु की खबर चर्चा में आई है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में यह घटना घटित हुई है यह ऑस्ट्रेलिया के पास तस्मानिया में दर्ज किया गया सबसे बड़ा वेलों का समूह था जिसमें 380 सौ वेलों की मौत हो गई तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित एक द्वीप है जिसकी राजधानी होबार्ट नगर है बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है वेल स्टॉक का संरक्षण इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन कर प्रदान करता है और यह वेलिंग उद्योग के क्रमिक विकास में भी मदद करता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया क्वेश्चन नंबर टू कैग ने संसद में भारतीय रेलवे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है रिपोर्ट के अनुसार रेलवे में 2018 19 में शुद्ध अधिशेष कितने करोड़ रुपए था तीन करोड़ रुपए, तीन करोड़ रुपए, दो करोड़ रुपए या फिर चार करोड़ रुपए देखिए यहाँ पर आपको क्लोज ऑप्शंस दिए गए हैं कई बार परीक्षा में इस तरीके से भी ऑप्शंस मिलते हैं कि डाटा को लेकर करके कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है इसीलिए हमने कोशिश की है कि कुछ इसी तरीके का अभ्यास कराया जाए बहरहाल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तीन हजार सात सौ तिहत्तर दशमलव आठ छः करोड़ रुपए विश्लेषण के तौर पर देखें तो हाल ही में भारत के कैक ने संसद में भारतीय रेलवे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की आपको बता दें कि कैक का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसे हिंदी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहा जाता है इस रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे में 2018 19 में शुद्ध अधिशेष तीन करोड़ रुपए था रिपोर्ट का शीर्षक भारतीय रेलवे में लोकोमोटिव का मूल्यांकन उपयोग और एल कोचों का उत्पादन और रखरखाव था रिपोर्ट में बताया गया कि कमीशनिंग के 100 दिनों के भीतर लगभग 46 फीसदी नए लोको फेल हो गए साथ ही भारतीय रेलवे को अगले पाँच वर्षों में कम से कम छह हजार कोचों को बदलने की जरूरत है रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय रेलवे बोर्ड इलेक्ट्रिक लोको की आवश्यकताओं का आकलन करने में विफल रहा है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर थ्री वर्ल्ड मेरी डे कब मनाया जाता है ऑप्शन हैं तेईस सितम्बर चौबीस सितम्बर पच्चीस सितंबर या फिर छब्बीस सितम्बर स्टूडेंट्स परीक्षा में कई बार दिवस के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं इस लिहाज से हम लोग टुडे जी के में अक्सर हाँ जो भी दिवस फेमस होते हैं जो भी प्रसिद्ध दिवस होते हैं उनके बारे में हम पूछते हैं इस दिवस के साथ साथ उसकी थीम क्या थी कब वह दिवस मनाया जाता है इस तरीके से हम लोग सवाल बनाते हैं तो उसी संदर्भ में यह प्रश्न हमने बनाया है ऑप्शन बी 24 सितंबर विश्लेषण की बात करें तो हर साल अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है इस वर्ष इस दिवस की थीम सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लान है पहली बार मार्च 1978 में विश्व समुद्री दिवस मनाया गया था आपको बता दें कि विश्व व्यापार का लगभग 80 फीसदी व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है भारत हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाता है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चौबीस सितंबर। क्वेश्चन नंबर फोर निम्नलिखित में से किसने कृतज्ञ का शुभारंभ किया है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईआईटी दिल्ली नीति आयोग या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसके उत्तर है ऑप्शन डी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विश्लेषण की बात करें तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आई ने कृतज्ञ हैकाथॉन का शुभारंभ किया है इसका मकसद कृषि मशीनीकरण में नवाचार को बढ़ावा देना है इसमें किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज के छात्र परियोजना में हिस्सा ले सकते हैं इस हैकाथॉन की शुरुआत कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के अलावा महिलाओं के अनुकूल कृषि उपकरणों के निर्माण पर विशेष जोर देने के लिए की गई है आई द्वारा यह पहल राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना यानी एन के तहत की गई है राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना एन ए एच ई पी को 2019 में लॉन्च किया गया था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्वेश्चन नंबर फाइव हाल ही में किसने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ए टी जी एम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया नेशनल अकादमी ऑफ डिफेंस फाइनेंस मैनेजमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च इसका उत्तर है ऑप्शन बी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया यह परीक्षण आर्म्ड कॉप सेंटर के 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 रेंज में किया गया हाल ही में किए गए इन परीक्षणों में ए ने तीन किलोमीटर के लक्ष्य को भेदा है यह मिसाइल भारतीय सेना की शक्ति को और अधिक बढ़ाएगी एंटी गाइडेड मिसाइल मुख्य तौर पर बख्तरबंद सैन्य वाहनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भारतीय सैनिकों को लंबी दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने में मदद मिली है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डी क्वेश्चन नंबर सिक्स किसी वस्तु में निहित होता है द्रव्यमान आयतन उपयुक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं इसका उत्तर है ऑप्शन सी उपरुक्त दोनों यानी द्रव्यमान और आयतन दोनों ही वस्तु में निहित होते हैं सभी वस्तुओं में द्रव्यमान और आयतन होता है विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं मैटर पदार्थ को पांच मूल तत्वों में बांटा गया है जिसे पंच तत्व कहा जाता है ये पंच तत्व है वायु पृथ्वी अग्नि जल और आकाश इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों क्वेश्चन नंबर सेवन तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है गतिज ऊर्जा का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑप्शंस क्या हैं? बढ़ जाती है घट जाती है कभी घटती है कभी बढ़ती है या फिर स्थिर रहती है इसका उत्तर है ऑप्शन ए बढ़ जाती है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है तापमान बढ़ने से पदार्थों की गति तेज हो जाती है इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है इस तरह इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर एट मूल रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? एक दो तीन या फिर चार इसका उत्तर है ऑप्शन सी तीन मूल रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं ठोस द्रव और गैस पदार्थ की अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं, लेकिन वैज्ञानिक अब पदार्थ की पांच अवस्थाओं की चर्चा भी कर रहे हैं ये अवस्थाएं हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा बहरहाल इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी तीन क्वेश्चन नंबर नाइन सूर्य और तारों की चमक के पीछे निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट प्लाज्मा ठोस या फिर द्रव इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्लाज्मा प्लाज्मा अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं यह कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं फ्लोरेशन ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेशन ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी प्लाज्मा आज के सेशन का अंतिम सवाल निम्नलिखित में से किसका संबंध बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी की खोज से है सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन एरिक ए कॉर्नेल उल्फ गैंग केटर्डे और कार्ल ई वेमेन उपरुक्त सभी या फिर उपरुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर है ऑप्शन सी उपयुक्त सभी 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बी नाम दिया गया 2001 में एरिक ए कॉर्नेल उर्फ गैंग केटर्डे और कार्ल ई e. वेमेन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सामान्य वायु के घनत्व के एक लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीई तैयार होता है इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उपयुक्त सभी अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न प्रश्न है कैक द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सरकारी स्कूल में लगभग कितने प्रतिशत शौचालय गैर मौजूद या अनयूज पाए गए हैं लगभग पचास फीसदी लगभग साठ फीसदी लगभग तीस फीसदी या फिर लगभग चालीस फीसदी इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ तब तक के लिए नमस्कार